बताएंगे। मैं पिंकू कुमार, मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू होते हुए भी पहले हिंदू धर्म का पालन नहीं करता था, लेकिन 2013 में पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी से दीक्षा लेने के बाद अपना सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि बापू जी ने हमें भगवान का नाम का जप करना सिखाया। पहले मैं दीक्षा लेने से पहले मैं शराब सिगरेट सिनेमाबाज ये सब भी करता था, लेकिन बापू जी से दीक्षा लेने के बाद ये सब अपने आप छूट गया और हम भगवान का नाम और समाज की सेवा में लग गए, जो बापू जी द्वारा चलाया जाता है। बापू जी द्वारा गौ माता की सेवा की जाती है, हजारों गायों की सेवा की जाती है, वो सेवा हम करते हैं। भारतीय सनातन धर्म का जो नाश हो रहा है उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए, जैसे 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, उस दिन बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस चलाया, एक अच्छा समाज के लिए था, उस सेवा भी हम लोगों ने किया और बापू जी के बताए रास्ता पे आगे और भी उनके द्वारा जो सेवा होती है वो सेवा भी हम लोग करते हैं। इससे बापू जी के बारे में आपको क्या लगता है? केस जो है ये जो जो धर्म की सेवा करते हैं या संस्कृति की रक्षा करते हैं उसमें लक्षण लगता है, जो अधर्मी लोग हैं कि हमारा देश गुलाम ना हो, इसके लिए बापू जी ने धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। इसलिए जिसको ईसाई धर्मांतरण करने वाले, जो हिंदू को ईसाई बनाया जाता है, उन लोगों को बापू जी ने फिर से, जो हिंदू ईसाई बन गए थे उनको फिर से अपना धर्म में वापसी लाए। इससे जो धर्मांतरण कर रहे थे उनको खटकी और उन्होंने बापू के शरीर के तहत फंसाना वहीं से स्टार्ट किया। बापू जी ने तो सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा की है। अब केस जो फैसला जो आया है उम्र कैद का, वो अभी निचला कोर्ट है। निचला कोर्ट मीडिया के दबाव में या किसी पार्टी के किसी के दबाव में फैसला सुनाया है, लेकिन अभी भी ऊपरी का कोर्ट बाकी है और हमको ऊपर के कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि बापू जी निर्दोष बाहर आएंगे। धन्यवाद।